अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट उमामा मलिक। अपने नए एपिसोड ब्यूटी टिप्स में हाजिर हुई हूँ। तो गाइस, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे गोल्डन पर्ल जो है, ये एक, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नाइट क्रीम है, वो नज़र आ रही होगी। तो आज हम इसके थोड़े से फ़ायदों के बारे में बात करते हैं कि क्यों यूसेस की जाती है। इसके यूसेज जो हैं वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ये इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारे स्किन के ऊपर क्या होता है, तो रेगुलर यूज़ करने से क्या होता है, और अगर हम इसको जो है वो इतना ज़्यादा डीपली नहीं लेते, और मतलब तकरीबन सिर्फ वीक में 3 डेज़ या 2 डेज़ यूज़ करते हैं, तो उसके हमारे पास जो है वो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो गाइस, आप लोग जानते हैं कि गोल्डन पर्ल जो ब्यूटी क्रीम, नाइट क्रीम, ये ऐसी क्रीम है कि इसमें हमें ज़्यादा जो है हमारी स्किन को कोई ख़तरा वगैरह नहीं होता। इसमें ज़्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं होते, और ना ही ये रातों रात इंसान को जो है वो स्किन जो होती है वाइट कर देती है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये सिर्फ बातें होती हैं। तो गाइस, ये है कि गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम जो है, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तकरीबन रात में 7 डेज़ के बाद जो है इसका थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट जो होता है वो नुमाया होना शुरू हो जाता है। तो इतना जल्दी जो है ये इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन ये है कि इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इससे थोड़ा ये हो जाता है कि आपके फेस पे जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े से नुमाया होते हैं, नज़र आने लगते हैं, या उनकी ग्रोथ जो होती है थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जब हमें रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं 7 डेज़ तक इसको कंटिन्यूसली लगाना होता है, और अगर हम जब हमें इसके रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं तो फिर हम लोगों ने ये करना होता है कि हम लोगों ने सिर्फ वीक में इसको 3 दिन यूज़ करना होता है, अल्टरनेट डे पे इसको यूज़ करना होता है। और ये नाइट क्रीम है, और 8 घंटे तक इसको तकरीबन लगा रहना चाहिए, हल्के हाथ से इसको लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा मसाज नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इसकी असल और एक ओरिजिनल होती है, और एक जो होती है 2 नंबर चीज़ होती है। ओरिजिनल की हमारे पास जो है पहचान ये है कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसका कलर येलो येलो कलर का होता है, और जो है ये एक नंबर नहीं होती, जो थोड़ी सी जिसमें कोई कह लेंगे मिलावट वगैरह होती है, या वो असर बहुत देर से करती है, तो उसका ये होता है कि वो प्योर वाइट कलर में होती है। तो गाइस, ये तकरीबन आपको 230-200 में और मिल जाएगी। तो अगर जो आपको 230 में मिलेगी वो ओरिजिनल होगी, जो अगर 230 प्राइस में लिखे उसे कम कर दें अगर, तो आप लोग समझ जाएंगे ये ओरिजिनल नहीं है। और इसकी पैकिंग जो है वो 3 ABC 3 पैकेजेस पैकिंग में आ रही है। तो जो ए होती है वो नंबर 1 होती है, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद थर्ड जो होती है वो सबसे थोड़ी सी लो होती है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।